देश के इतिहास का सबसे बड़ा बोरवेल रेस्क्यू ऑपरेशन। 106 घंटों तक 60 फीट गहरे बोरवेल में फंसा रहा 10 साल का राहुल। बच्चे के पास आ गया एक सांप और फिर हुआ चमत्कार। 5 दिनों की मशक्कत के बाद सेना ने राहुल को जिंदा बचा लिया। रेस्क्यू की इस पूरी कहानी को देखेंगे तो देखते ही रह जाएंगे। जी, भारतीय सेना ने एक बार फिर से साबित कर दिया है कि क्यों उस पर देश इतना भरोसा करता है, क्यों हमारे सैनिक नामुमकिन को भी मुमकिन बना देने का शौर्य रखते हैं। बड़े बुजुर्ग कह गए हैं, जिंदगी में कुछ भी हारो बस हिम्मत और हौसला मत हारो। वो ऐसा क्यों कहते थे ये 10 साल के उस बच्चे ने बता दिया है, जो बीते 5 दिनों से 62 फीट गहरे बोरवेल में एक सांप और मेंढक के साथ फंसा हुआ था। देश के इतिहास के सबसे बड़े बोरवेल रेस्क्यू ऑपरेशन की इस कहानी को आखिर तक देखिएगा, क्योंकि इस कहानी में वो सब कुछ है जो एक सुपर डुपर हिट फिल्म में होता है। ये कहानी है छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा जिले की, जहां बोरवेल में फंसे 10 साल के बच्चे राहुल को 106 घंटे चले रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद सुरक्षित निकाल लिया गया। रेस्क्यू के फौरन बाद उसे बिलासपुर के अपोलो अस्पताल में भर्ती कराया गया। राहुल 10 जून शुक्रवार को दोपहर करीब 2 बजे 60 फीट गहरे बोरवेल में गिर गया था। प्रशासन, SDRF, NDRF और सेना ने इस ऑपरेशन को बिना रुके अंजाम दिया। ये देश का सबसे बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन बताया जा रहा है। इससे पहले हरियाणा के कुरुक्षेत्र में 21 जुलाई 2006 को 50 फीट गहरे बोरवेल में गिरे 5 साल के प्रिंस को 50 घंटे में बचाया गया था। जब बच्चे के पास सांप भी आ गया था। इस ऑपरेशन को अंजाम देने वालों की सांसें तब थम गईं जब उन्होंने देखा कि गड्ढे में बच्चे के पास एक सांप और एक मेंढक भी आ गए हैं, जिसके बाद सभी की धड़कनें बढ़ने लगीं और किसी अनहोनी की आशंका ने जन्म ले लिया। लेकिन चमत्कार देखिए, उस सांप ने बच्चे को कुछ भी नहीं किया। सांप और मेंढक तो उल्टा एक रक्षक की तरह उस बच्चे के साथ वहां मौजूद रहे। कैमरे से की जा रही थी निगरानी। 5 दिनों में राहुल की निगरानी स्पेशल कैमरे से की जा रही थी। उसे खाना पीना दिया जा रहा था, हौसला बनाए रखने के लिए लगातार उससे बात भी की जा रही थी। 5 दिनों तक 60 फीट नीचे दबे रहने की वजह से और गड्ढे में पानी भरे होने की वजह से उसके शरीर में कमजोरी आ गई थी। कैसे चला रेस्क्यू ऑपरेशन? सेना के जवानों ने रेस्क्यू की कमान अपने हाथों में ले ली। वो टनल के जरिए पहले बोरवेल और फिर राहुल तक पहुंचे। बच्चे के अंदर होने की वजह से चट्टानों को ड्रिलिंग मशीन से न काट कर हाथ से तोड़ा जा रहा था, फिर अंदर की मिट्टी हटाई जा रही थी। ऐसा करते करते जवान राहुल तक जा पहुंचे। इसके बाद रस्सी से खींचकर राहुल को बाहर लाया गया। उसकी हालत को देखकर पहले से ही एम्बुलेंस, डॉक्टरों की टीम और मेडिकल इक्विपमेंट्स तैयार थे। टनल से एम्बुलेंस तक कॉरिडोर बनाया गया था। राहुल को स्ट्रेचर के जरिए सीधे एम्बुलेंस तक ले जाया गया। सेना की ओर से बताया गया कि NDRF की टीम को राहत देने के लिए जवानों ने कमान संभाल ली थी। ये एक जॉइंट ऑपरेशन था। सवाल बच्चे की जिंदगी का था। ऐसे में चट्टान तोड़ने के लिए इक्विपमेंट से ज्यादा हाथों का इस्तेमाल किया गया। जवान हाथों से मिट्टी निकाल रहे थे और कोहनी के सहारे आगे बढ़ रहे थे। धीरे धीरे मिट्टी हटाते हटाते आखिरकार वो लम्हा आ ही गया जब बनाई गई टनल बोरवेल से जा मिली। वहां अंदर चट्टान के हिस्से पर सोए राहुल की पहली झलक जवानों को मिली। बाहर जानकारी दी गई और भीड़ भारत माता की जय के नारे लगाने लगी। जिसने भी ये लम्हा देखा उसके रोंगटे खड़े हो गए। 10 जून को बोरवेल में गिरा था राहुल। आपको बता दें, राहुल का शुक्रवार 10 जून दोपहर 2 बजे के बाद से कुछ पता नहीं चला था। जब घर के ही कुछ लोग बाड़ी की तरफ गए तो राहुल के रोने की आवाज आ रही थी। गड्ढे के पास जाकर देखने पर पता चला कि आवाज अंदर से आ रही है। बोरवेल का गड्ढा 60 फीट गहरा था। ये भी बताया गया कि बच्चा मूक बधिर है, मानसिक रूप से काफी कमजोर है, जिसकी वजह से वो स्कूल नहीं जाता था। लेकिन इन सबके बावजूद राहुल ने 106 घंटों तक जो चट्टानी हिम्मत और हौसला दिखाया, उसकी वजह से पूरा देश राहुल की हिम्मत और हौसले को सलाम कर रहा है। वो भी तब जब राहुल के सामने एक सांप आ गया था। अगर राहुल जरा भी घबराता, डरता, तो वहीं पर उसकी जान जा सकती थी। लेकिन न राहुल घबराया, न हिम्मत हारा, और इसी वजह से आज पूरा देश उसका फैन हो गया है। वहीं देशवासी सेना के साथ साथ रेस्क्यू ऑपरेशन में लगे उन 500 लोगों को भी सलाम कर रहे हैं, जिन्होंने 5 दिनों तक कड़ी मेहनत करके राहुल को सकुशल निकाल लिया और भारत के इतिहास के सबसे बड़े बोरवेल रेस्क्यू ऑपरेशन को सकुशल अंजाम दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, अपना उत्तर प्रदेश।